Hello, hi, namaskar. Welcome to our channel Food, Travel and Lifestyle with Devju. आज मैं बना रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट देकर फिश करी. तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं. तो आज यहाँ पर मैं रूहू फिश का यूज कर रही हूँ. आप कोई भी फिश इसके जगह पर यूज कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पर मैंने फिश को अच्छे से वॉश करके नमक और हल्दी उसमें लगाकर उसे मैरिनेट कर लिया है. और उसके बाद मुझे उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में दोनों तरफ से. तो अब चलिए मसाले की तैयारी करते हैं. तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सी और उसमें मैं डाल दूंगी अभी 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स और 1.5 टेबलस्पून ऑफ जीरा क्यूमिन सीड्स. और उसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी 3 से 4 सूखी मिर्च और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 15 से 16 लहसुन की कलियां. और अभी इन सबको मुझे अभी पहले ड्राई ग्राइंड कर लेना है. अब ये हो चुका है और इसके साथ मैं अभी डाल दूंगी यहाँ पर 2 टमाटर मैंने रखे हुए हैं. एक मैं सब्जी में डालूंगी, बाकी जो 1 टमाटर है मैं पहले ये मसाले में डालकर उससे मैं अच्छे से ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लूं. तो यहाँ पर रेडी हो चुका है ये मसाला. तो अब बढ़ते हैं हम सब्जी बनाने के लिए. सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर एक कढ़ाई और उसमें मैं अभी डाल दूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें मैं अभी ऐड कर दूंगी उबला हुआ आलू. मैंने बॉईल करके पहले से आलू को अच्छे से छील के उसे पीसेस में काट के रखे थे, उसको मैं अभी डायरेक्टली इस ऑयल में ऐड कर दूंगी. यहाँ पर थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूंगी पहले आलू को ऑयल के साथ, उसके बाद मैं बाकी जो 1 टमाटर था मैंने काट के रखा था पहले से उसको भी इसके साथ ऐड कर लूंगी और 1-2 बारी उसके साथ मैं आलू के साथ टमाटर को मिक्स कर लूंगी. अब इसके ऊपर मैं ऐड कर लूंगी जो सारे मसाले मैंने बनाकर रखा था पहले से उसको. आप जब भी कोई मस्टर्ड वाला पेस्ट का कोई भी करी आप बना रहे हो तो डायरेक्टली ऑयल में वो वाला पेस्ट मत डालिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है. तो आप ऑयल के बाद थोड़ा उसमें टमाटर नहीं तो आलू जो भी आपको डालना है पहले डाल के उसके बाद आप मसाले को ऐड कीजिएगा. तो वो कड़वा जो हो जाता है कभी कभी वो कभी भी नहीं होगा. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसालों को आलू और टमाटर के साथ थोड़ा सा भून लूंगी. ये जो मसाला होता है इसको ज्यादा भूनना नहीं होता हमें, बस हल्का सा 2-3 मिनट में से भून के जो सूखे मसाले हैं मैं अभी इसमें ऐड करूंगी. यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया नमक, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए इसमें. आप फिश में भी नमक डालते हैं तो उसी हिसाब से आप देख के मसाले में नमक ऐड कीजिएगा. उसी के साथ मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा हल्दी. आप फिश में भी हल्दी डाले होंगे तो उसी हिसाब से थोड़ा सा हल्दी डालिए. और उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सॉरी कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए. आप चाहे तो चिली अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से जो सूखा मिर्ची है उसको हमने ऐड किया है. आप चाहे तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आपके तीखेपन के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा. और उन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है. थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाले अगर कढ़ाई में चिपक जाएगा ना तो ये जो मस्टर्ड वाला जो पेस्ट का जो करी होता है वो थोड़ा सा कड़वा बन जाता है. तो कढ़ाई में कभी इसे चिपकने मत दीजिएगा. तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बस पानी ऐड किया और इन सबको मिक्स कर लिया. अब करीब हमें 2-3 मिनट तक इसे भून लेना है. उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं ग्रेवी के लिए पानी.
यहाँ पर देखिए जो थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया था मसाला ना चिपके इस वजह से वो थोड़ा सा अभी सूख चुका है। उसके बाद अभी ग्रेवी के लिए हम जितना आपको मतलब ग्रेवी का कंसिस्टेंसी आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा और इन सबको मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए सूखे मसाले के नाम पर भी हमने ऐड किया है, तो बस नमक, हल्दी और कश्मीरी चिली पाउडर थोड़ा सा। आप चाहे तो कश्मीरी चिली पाउडर भी इसमें अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले मसाले में सूखी मिर्ची डाला हुआ था। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल बनता है, मसाले भी कितना सिंपल बना था, उसमें कोई भी किसी चीज का हमने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। और अभी जो सूखे मसाले भी डाले हमने, उसमें भी हमने कोई और सा मसाला नहीं तो गरम मसाला कुछ भी हमने यूज नहीं किया, क्योंकि ये जो ग्रेवी है मस्टर्ड वाला ये ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे ही उसका जो फ्लेवर होता है मस्टर्ड का ये ऐसे ही आता है। तो यहाँ पर देखिए 3-4 मिनट हो चुका है, ये जो ग्रेवी के लिए हमने पानी डाला था ये भी थोड़ा सा अभी उबल चुका है। अब यहाँ पर एक एक करके मैंने जो फ्राइड फिश मैंने पहले से फ्राई करके रखे थे उसको मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी। फिश डालने के बाद हम इसे बस 1-2 मिनट ही देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो फिश के अंदर चला जाए। आप थोड़ा सा जो डाले होंगे पीसेस उसको थोड़ा सा उलट पुलट कर दीजिएगा हल्के हाथों से, क्योंकि नहीं तो फिश के जो पीसेस है वो टूट जाएंगे। हल्के हाथों से थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए ताकि वो जो ग्रेवी है उसके अंदर तक जाए। और अभी फाइनली मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पीस ड्राई मैंगो का। आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली मस्टर्ड पेस्ट के जो करी बनते हैं उसके अगर उसमें अगर आप ये वाला एक ड्राई मैंगो डाल देते हो तो उसका एक अलग सा ही फ्लेवर मतलब करी में अलग सा एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। अगर आपके पास हो तो आप इसे ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा काट के धनिया पत्ता उसके ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पर धनिया पत्ता डालने के बाद मैं थोड़ा सा गैस के फ्लेम को हाई करके बस आधे मिनट के लिए इसे थोड़ा उबाल दे दूंगी उसमें। उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और बनकर रेडी हो चुका है हमारा यम्मी सा मस्टर्ड पेस्ट वाला फिश करी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार आपके घर पे जरूर बनाएगा क्योंकि, और ट्राई कीजिएगा ऐसे ही बनाने के लिए सिंप्लिसिटी के साथ, क्योंकि ये ऐसे ही कभी ट्राई करके देखिए ये ऐसे ही अच्छा लगता है। और इसमें जो लहसुन हम डालते हैं मसाले में वो थोड़े ही बस ज्यादा क्वांटिटी में पड़ता है, बाकी ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और कुछ भी नहीं पड़ता है इसमें। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।